यूपी के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर पुलिस ने सोमवार की भोर में गिरफ्तार कर लिया है। शहर में चल रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल को जान से मारने की धमकी देने का धनंजय और उनके साथियों पर आरोप है। अभिनव सिंघल की तहरीर पर लाइन बाजार व कई थानों की फोर्स सोमवार की भोर में बाहुबली नेता को उनके शहर में काली कुत्ते स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद धनंजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। जैसा कि सभी को पता है कि बाहुबली नेता धनंजय सिंह का नाम इस समय सालों से यूपी ही नहीं पूरे देश में चर्चा में रहा है। जब बच्चे अक्सर अपनी पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, तब महज 14 साल की उम्र में ही धनंजय सिंह पर एक शिक्षक की हत्या का आरोप लगा था। यहीं से यह नाम सुर्खियों में आ गया। इंटर में पहुंचे तो क्रिकेट के शौकीन इस किशोर पर युवक की हत्या करने का भी आरोप लग गया। जिस समय युवक की हत्या के आरोप में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, वो 12वीं में थे। परीक्षा के 3 पेपर रह गए थे। सिकरारा थाना इलाके के एक इंटर कॉलेज में 50 बंदूकधारी पुलिस कर्मियों की तैनाती के बीच इनकी परीक्षा कराई जाती थी, क्योंकि परीक्षा का इलाका राजपूतों के गढ़ में था। ऐसा माना जा रहा था कि धनंजय सिंह कभी भी भाग सकते हैं और कुछ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। धनंजय सिंह को जमानत मिली, इंटर पास करते ही जिले के टीडी कॉलेज में दाखिला लिया। यहां भी अपने तेवर के मुताबिक कुछ ही दिन में छात्र राजनीति में दबदबा बनाना चाहा। घर वालों को जानकारी हुई तो बड़े भाई ने इन्हें जौनपुर से हटाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया। स्नातक में दाखिला लेने के बाद एक के बाद एक कारनामे कर प्रदेश की राजधानी में अपने नाम का बड़ा खौफ धनंजय ने जमा कर लिया। स्नातक होते होते धनंजय पर कई थानों में दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज कर लिए गए। साल तकरीबन 1998-99 एक हत्या के मामले के बाद धनंजय सिंह फरार हो गए। पुलिस ने इन पर इनाम घोषित कर दिया। इसी समय भदोही जिले के औराई में सीओ अखिलानंद मिश्रा की टीम ने एक पुलिस इनकाउंटर कर बताया कि उन्होंने धनंजय सिंह को मार गिराया, जबकि असल में धनंजय सिंह नहीं मारा गया था, बल्कि धनंजय सिंह के नाम का ही एक युवक मार दिया गया था। इस इनकाउंटर में 4 युवक मारे गए थे। कुछ ही दिन बाद धनंजय सिंह ने आत्मसमर्पण किया और सीओ अखिलानंद मिश्र सस्पेंड कर दिए गए। जेल से ही 2002 में रारी विधानसभा से धनंजय ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। वो चुनाव लड़ने के लिए बाहर आए, रारी विधानसभा से पर्चा भरा और निर्दल विधायक बन गए। 2007 का भी चुनाव धनंजय ने जीत लिया। 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से सांसद बन गए। मल्हनी सीट पर जब चुनाव हुए तो पिता राजदेव को बसपा के टिकट पर धनंजय सिंह ने यहां से चुनाव जिता लिया। 2014 में जौनपुर से फिर लड़े, लेकिन भाजपा की लहर के सामने धनंजय सिंह हार गए। यहां पर सांसद केपी सिंह भाजपा के टिकट से चुनाव जीत गए। 2017 में मल्हनी विधानसभा से लड़े सपा के पारसनाथ यादव ने इस बार भी धनंजय को चुनाव हरा दिया। बागपत जेल में दुर्दांत अपराधी मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद उनकी पत्नी धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रही थी। हालांकि इसमें भी आरोप साबित नहीं हुआ और धनंजय को अब एक बार फिर गिरफ्तारी के बाद धनंजय सिंह की चर्चा पूरे प्रदेश में तेज हो गई है।